माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों के नेता लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद बिहार की राजधानी पटना अब सुलगने लगी है। दरअसल पटना में शुक्रवार को अतीक के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जानकारी के मुताबिक ईद के पहले बिहार में बड़ा विवाद हो गया। विवाद की जड़ में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया पॉलिटिशियन अतीक अहमद हत्याकांड है। शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास उस समय अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब मुसलमान समुदाय के कुछ लोग अलविदा की नमाज के बाद सड़क पर उतर आए। स्टेशन स्थित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ये लोग जुलूस की शक्ल में सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। सभी अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अतीक, अशरफ और अतीक के बेटे असद को शहीद बताते हुए अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए उनका ये वायरल वीडियो। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया। सरकार और पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या